नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। रणबांकुरे में आज बात करेंगे जाबाज पायलट इंद्रलाल रॉय की, जिनकी बहादुरी के चर्चे दुनिया भर में हैं। 1962 से लेकर कारगिल युद्ध तक में इस जाबाज ने अपना अलग ही पराक्रम दिखाया था। आज बात करेंगे आज़ादी से पहले की, जब भारतीय वायुसेना के एक पायलट ने ऐसा पराक्रम दिखाया था जिसकी कहानी दुनिया भर में मशहूर है, जिसने अकेले महज 19 साल की उम्र में दुश्मनों के 9 फाइटर जेट को अकेले मार गिराया था। हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश शासन के अधीन पहले विश्व युद्ध में लड़ने वाले पायलट इंद्रलाल रॉय की। इंद्रलाल रॉय का जन्म 2 दिसंबर 1898 को कोलकाता में हुआ था। सर्विस रिकॉर्ड के मुताबिक वो अप्रैल 1917 में रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्स का हिस्सा बन चुके थे। ब्रिटिश एयरफोर्स ज्वाइन करने के दौरान उनकी उम्र महज 18 साल थी। लंदन के सेंट पॉल स्कूल में बढ़ते हुए ही उनकी नौकरी लग गई थी। उनकी प्रतिभा का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि उन्हें 3 महीने में ही प्रमोशन कर सेकंड लेफ्टिनेंट बना दिया गया था। ब्रिटेन की रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्स की तरफ से पहले विश्व युद्ध में लड़ते हुए इंद्रलाल रॉय ने जर्मनी वायुसेना को तहस नहस कर दिया था। लड़ाई में इंद्रलाल ने 170 घंटे उड़ान भरी थी। इस दौरान उन्होंने महज 14 दिनों के अंदर 9 फाइटर प्लेन को हवा में मार गिराया था। जर्मनी से लड़ते हुए उनकी उम्र महज 19 साल थी। इंद्रलाल रॉय को उनके पराक्रम और वीरता के लिए डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये अवार्ड पाने वाले वो पहले भारतीय व्यक्ति हैं। 21 सितंबर 1918 को द लंदन जैकेट में उनके बारे में एक लेख छपा। इस लेख में उन्हें बेहतरीन और निडर पायलट का खिताब दिया गया। उनके वीरता का जिक्र करते हुए लेख में बताया गया कि एक उड़ान में उन्होंने 2 दुश्मन विमानों को मार गिराया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।